और आपके साथ में भरतवाणी का। साथियों अभी रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत गाग में मौजूद था और रात्रि में यहां पर एक वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है और गांव के युवा मंडल द्वारा ये मैच का आयोजन किया जा रहा है। लगातार युवाओं में खेल के प्रति जो रुझान है और लगातार गांवों में भी जिस तरह से युवा आगे निकलकर खेलों का आयोजन करवा रहे हैं, आप लाइव में सीधी तस्वीर देख सकते हैं। मेरे साथ लाइव में कैमरामैन अल्पेश दहिया से निवेदन करूंगा कि इस खेल को दिखाएं और लगातार युवाओं में जो खेल के प्रति उत्साह है वो लगातार ग्रामीण ओलंपिक खेल हो या तमाम में जो गांव के लोग हैं, बुजुर्गों ने भी इस मैच में काफी हिस्सा लिया, भाग लिया। आप देख सकते हो लाइव प्रचार में रात को भी युवा मैच में खेलने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ जो ये आयोजक मंडल है उनके कुछ सदस्य है, उनसे हम बात करेंगे। मैं शिव भाई चौधरी से निवेदन करूंगा कि आए और हमारे साथ और है शिव भाई देवासी। शिव भाई देवासी, ये रात्रि मैच का आयोजन किया जा रहा है, इसकी तैयारी आप कितने दिनों से पहले शुरू कर दी थी? ये काफी टाइम पुरानी प्लानिंग थी, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में इसको हमने अवगत कराया सभी साथियों से, सभी हमारे युवक जो युवा मित्र है उनसे सबसे करवाया, जो बहुत ही अच्छी तैयारी की और उसके बाद सभी टीमों को बुलाया और सभी आसपास के बहुत से दूर से भी टीमें आई, गुजरात से भी कुछ टीमें आ रही है जी। और कुल कितनी टीमें आई है जो आपके निवेदन और एक जो बैनर था उसके हिसाब से आपने मैसेज छोड़ा, उसके बाद में जैसे गांग की जो पावन धरती है उस पर आप लगातार इन मैचों का आयोजन कर रहे हो, तो कितनी टीमें यहाँ पर पहुंची? टीमें टोटल हमारे पास 20 से 25 आई थी, लेकिन हमारे नियम के अनुसार 16 टीमें ही, जो पहले आओ पहले पाओ के नियम के तहत 16 टीमें जो पहले आई उनको ही एंट्री दी गई है जी। और 16 टीमों के एंट्री के बाद ही 16 टीमों के बीच में ये मैच है जी। और ये पूरे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आयोजित है। कुछ भमाशाह लोगों को भी स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा सहयोग किया और पूरा युवा मित्र को अच्छा, इस टूर्नामेंट को अच्छा बनाने का प्रयास किया। गांवों में इस तरह के जैसे ग्रामीण ओलंपिक अभी खेल हुए उसके बाद में जिस तरह से खेलों के प्रति रुझान है, युवा बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं, आपके निवेदन पर कुल कितनी टीमें यहां धरातल पर पहुंची है? धरातल पे 16 टीमें अभी मौजूद हैं और कुछ 5-6 टीमों के मैच हो चुके हैं, अभी भी चल रहे हैं, कुछ सेकंड राउंड के मैच होंगे और ये पूरी नाइट ये मुकाबले चलते रहेंगे। और रही बात ग्रामीण खेल ओलंपिक की, उसका बहुत बड़ा सहयोग है गांवों में देखने को मिल रहा है, उसका उत्साह, उससे बहुत जो प्रतिभाएं निखर के आई है उन्होंने अभी पार्टिसिपेट करना चालू किया है, जो जिन गांवों में कभी मैच हो नहीं सकते थे वहां पे हमारे शायद ये पहला टूर्नामेंट हम आयोजित कर रहे हैं इस गांव में, इसमें बहुत बड़ा योगदान है ग्रामीण खेल ओलंपिक का। ये हमारे साथ शिव दिवासी जुड़े हुए थे जो लगातार या जो आयोजन है उन करवा रहे उनका एक सदस्य है और लगातार मेरे पीछे देख सकते हैं कि हुआ रात को और अभी जो फिलहाल समय है 9 बजे से ऊपर का टाइम हुआ है, पर खेलों के प्रति जो इनकी जागृति है वो किस तरह से आप देख सकते हो। और हमारे साथ एक गांव के और युवा है हरीश चौधरी, हम उनसे बात करेंगे। हरीश भाई नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। ये जो मैच का आयोजन आप कर रहे हो नाइट को, एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा आयोजन है, इसकी तैयारी कितने दिनों पहले आपने कर दी थी? कम से कम 2 महीने चल रही है। 2 महीने से तैयारी चल रही है। गुजरात से राजस्थान से काफी टीमें यहाँ पर, हाँ काफी टीम आई, गुजरात से भी आई हुई है जी, धानेरा से भी आई हुई है, यहाँ से भी बहुत सारी टीम आई हुई है। और ये मैच है एक दिवसीय मैच है? हाँ एक दिवसीय मैच है। लगातार ये जो युवा है ये हमारे साथ हरीश चौधरी जुड़े हुए थे जो आयोजक करता है उस मंडल के ये सदस्य है और लगातार जो खेलों में है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हम आगे कैमरे में हमारे साथ एक और चिमनगढ़ के युवा तेज तरार हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भरत भाई, क्या हालचाल है? बस बढ़िया। रात को 10 बजे का समय होने को है और किस तरह से युवा जो खेलों के प्रति जागरूक है? खेल के प्रति युवा का बहुत बढ़िया जोश है जी, खेल के प्रति हर कोई चाहता है कि रात हो या दिन जी। अभी ये बारिश का टाइम है, बारिश तो हो रही नहीं रही है जी, लेकिन फिर भी यहाँ के युवा बहुत ही सतर्क है जी, और यहाँ पे आके जो गेम का एंजॉय कर रहे हैं जी, और जो खिलाड़ी के प्रति जो गेम के प्रति जो खिलाड़ी की उत्साह है जी, वो देखने लायक है जी। ये एक दिवसीय मैच है, कुल यहाँ पर 16-17 टीमें पहुंची है, तो काफी कई भी जैसे गांवों में भी अब खेलों के प्रति लोगों में उत्साह काफी है जी। जब से अशोक गहलोत ने ये जो ग्रामीण ओलंपिक का वो वाला निकाला है गेम, तब से लोगों के बीच में जो ये गेम के प्रति उत्साह बढ़ता जा रहा है जी जी जी।
और युवाओं से क्या निवेदन करेंगे? खेलों के प्रति हमेशा एक नारा भी है, जैसे आपने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शहरी ओलंपिक खेल की टी शर्ट पहनी है, हिट राजस्थान फिट राजस्थान, तो उसके तहत ये सब हो रहा है जी। इससे क्या है कि जो भी युवा है जो गेम से मतलब फिट रहते हैं जी, जो गेम है तो गेम दैनिक जीवन का एक हिस्सा है जी, जिससे युवा फिट रहता है जी, और कहीं भी कोई समस्या नहीं आती है जी। ओके धन्यवाद। ये हमारे साथ सिमनगढ़ के एक युवा जुड़े थे, और कैमरामैन को बोलूंगा कि आगे आगे जिस तरह से गेम को भी बताते रहे, और ये सीधा लाइव प्रसारण हो रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवा में जोश है वो लगातार जारी है, और लगातार जो युवा हैं वो खेलों के प्रति उच्चा है उनका, और खेलों में आज राजस्थान में जिस तरह से खेलों का जैसे महाकुंभ हुआ ग्रामीण ओलंपिक का, तो उसके बाद में गांवों में भी कई न कई युवा अपने स्तर पर इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं, और ये एक बेहतरीन सोच भी है और एक बेहतरीन प्रयास भी है ताकि जो खिलाड़ी हैं उनको आगे मौका भी मिले। यहाँ से प्रैक्टिस जरूरी है कि यदि आप कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें एक प्रैक्टिस का बहुत बड़ा अहमियत होती है, और सभी मिलकर कर रहे हैं, और देखो ये किस तरह से जो एक पॉइंट मिला और किस तरह से जो खिलाड़ी है आप देख सकते हो कि किस तरह से इनका ऊंचा है, और ऊंचा देखने काबिल है, जो जोश है वो कायम है, और लगातार अल्पेश दया लाइव प्रसारण में सहयोग कर रहे हैं, और लगातार जो लाइव प्रसारण है वो चारों है, और लगातार लाइव में काफी साथी जुड़े हैं, और कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि जो लगातार जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं इंडियन सोशल वॉइस न्यूज के माध्यम से वो लगातार लाइव प्रसारण में सीधा देख रहे हैं, और जो युवा हैं वो लगातार राजस्थान और जो ग्राम पंचायत गांग है जो यहाँ से गुजरात बॉर्डर है वो नजदीकी है, तो इस कारण गुजरात की भी टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, और काफी भारी संख्या में आप देख सकते हो। कैमरामैन को मैं निवेदन करूंगा कि चारों तरफ की एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो युवाओं का हुजम है खेल के प्रति वो एक संकल्प है वो आगे बढ़ रहे हैं, और युवाओं ने जिस तरह से इन खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से अपने स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मेरा ये जो प्रयास है युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने का, और ऐसे आयोजन यदि समय समय पर हुए तो खिलाड़ियों को उच्चावर्धन भी होगा, और आगे समय पर कोई भी यदि कंपटीशन होगा खेलों के प्रति तो वो युवाओं में आगे बढ़ पाएंगे। और मैं कैमरामैन अल्पेश दया को कहूँ कि आगे की तरफ चलें, और हम और भी कई युवाओं से बात करेंगे। आप सीधा लाइव तस्वीरों में इंडियन सोशल वॉइस न्यूज के माध्यम से आप सीधी लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि वॉलीबॉल मैच जो एक दिवसीय रात्रि मैच का आयोजन है वो किया जा रहा है, और लगातार कमेंट्री बॉक्स में भी साथी युवा साथी वो सपोर्ट कर रहे हैं, और लगातार लाइव प्रसारण चालू है, और जो युवा हैं वो रात को कई 15-15, 20-20 किलोमीटर जो मैदान है मैदान को किस तरह से उन्होंने मैदान को पहले से व्यवस्था की है उस मैदान को बनाया है, तो किस तरह से इन व्यवस्थाओं का जो सपोर्ट और सहयोग है वो किस तरह से है, और लगातार एक राउंड होने के बाद दूसरा राउंड वापस स्टार्ट हो गया है, तो मैच का जो रुझान है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और खिलाड़ी है वो जो जो मैदान में आ रहे हैं, और खेलों के प्रति जो राजस्थान में अभी हाल ही में एक बड़ा ओलंपिक का आयोजन हुआ ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा इस खेल का आयोजन करवाया गया, और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में युवा 10 बजे के आसपास समय होने को है, और काफी संख्या में अभी युवा पहुंचे हैं, और वापिस दूसरे राउंड का मैच शुरू हो रहा है, और कैमरामैन से निवेदन करूंगा जो हम आयोजित करता है, और हमारे साथ एक और युवा जुड़े हैं, कैमरामैन से बोलूंगा अल्पेश दया से, शंकर भाई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है इसकी तैयारी कितने दिनों से पहले आपने शुरू की, क्योंकि इतना बड़ी व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात थी। सर जी ये 4-5 दिन से हम इस खेल में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं जी, और हमारे ग्राम वासियों की तरफ से बहुत जबरदस्त गेम का आयोजन हुआ है जी, और सब खिलाड़ी शांतिपूर्वक खेल रहे हैं।
जी, इस खेल से तो गांव का भी नाम रोशन होता है, युवाओं के प्रति एक दूसरे में प्रेम भाव की भी इसमें हो रही है। और तो रही बात जिस तरह का इतना बड़ा आयोजन करना, एक बड़ी व्यवस्था करनी, लाइट की व्यवस्था हो, जनरेटर की व्यवस्था हो, तो सभी युवाओं ने मिलकर इस जो काम है इस बेड़े को उठाया है। हमारे सब युवा भाइयों ने और ग्रामवासियों की मदद से ये सब बेड़ा उठाया है और सब हमारे हिसाब से बहुत जबरदस्त कार्यक्रम अभी हो रहा है जी। ये हमारे साथ शंकर चौधरी जुड़े हुए थे, हम उनसे बात कर रहे थे, जो आयोजक कमेटी है उनके ये सदस्य है और भी हमारे साथ कई कमेटी के सदस्य है और भी ये गांव के बुजुर्ग नागरिक है ये भी यहाँ पर पधारे हैं, काफी युवा बिजनेसमैन काफी लोग यहाँ पर पधारे हैं। और जिस तरह से विजेता उपविजेताओं के लिए ट्रॉफी की व्यवस्था की गई है, मैं कैमरामैन को बोलूंगा अल्पेश दिया को फोकस करें, जिस तरह से ये आयोजक मंडल है, हमारे साथ के युवा साथी है, बिजनेसमैन है, अपने वर्क में तमाम साथी है जो कमेंट्री बॉक्स में जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और मैच का ऊंचा किस तरह का भाई साहब? बहुत अच्छा ऊंचा नजर आ रहा है और आसपास के गांव के जो भी लोग आए हैं वो भी ऊंचा के साथ भाग ले रहे हैं और जितनी भी टीम है वो सभी ऊंचा के साथ भाग ले रही है। और शानदार आभार गांग मित्र मंडल की तरफ से, और जितना उनका आभार किया जाए, धन्यवाद किया जाए, वो बहुत कम है। और ऐसे आयोजन हमेशा करवाने चाहिए। जिस तरह से गांव के युवाओं ने ये वीरों की भूमि रही है जो गांग धरातल पर, जिस तरह से इन युवाओं ने इस तरह का आयोजन किया, कितनी टीमें जो धरातल पर मौके पर पहुंची है? अभी तक 16 टीम भाग ले रही है और 16 ही टीम यहां पर मौजूद है जी। और 4 मुकाबले हो चुके हैं और जिनमें अभी ये 5वां मुकाबला चल रहा है जालेरा खुर्द वर्सेज कलडा के बीच में, और जिसमें दूसरा राउंड ये चल रहा है जिसमें पहले ही राउंड में जालेरा खुर्द की टीम विजय रही है और दूसरा राउंड स्टार्ट है। हमारे साथ इसी कमेटी में सुरेश चौधरी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करें। सुरेश भाई किस तरह का उत्साह है? बहुत ही अच्छा है जी। और जो भी युवा साथियों ने मिलके किया है सब सबको पसंद है और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये हमारे साथ ये पूरी जो आयोजक मंडल है उनकी पूरी टीम है और तमाम साथी है। और हमारे साथ जो हरीश चौधरी भी जुड़े उनसे भी बात करें, वो समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं, उनसे बात। हरीश भाई किस तरह का उत्साह है? बहुत ही शानदार उत्साह है सभी का वश। और मैच भी नियम से खेला जा रहे हैं और 16 टीम ने भाग लिया है और पूरी युवा मंडल टीम गोंग की तरफ से सब आयोजन किया गया है और 16 टीम ने भाग लिया है अभी। और हमारे साथ एक और युवा जुड़े हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भूरा राम देवासी। कहाँ से आए आप? हम पंचेरी से आए सर। पंचेरी से आए जी। थोड़ा आगे आ जाओ। और जिस तरह से ये रात को मैच का आयोजन हो रहा है, ठीक है, और ग्रामीण युवा मिलकर कर रहे हैं और खेलों के प्रति जो उत्साह है ये क्योंकि युवा पीढ़ी में होना चाहिए। आजकल कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, युवक भी नहीं हो रहे हैं, सभी अपने धंधे में बिजी हैं, तो इस तरह के आयोजन से लोगों में जो युवाओं में उत्साह तो रहता ही है। सबसे जरूरी तो ये है कि खेल बहुत जरूरी है। खेल जरूरी है। आज के समय में जो हार्ट अटैक की जो बीमारी चल रही है उस बीमारी के लिए ये एक बहुत अच्छा आयोजन है क्योंकि इससे पूरा शरीर एक्टिव रहता है और जितने भी शरीर के टॉन्सिल होते हैं जो नेगेटिव वो सब खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति निरोग रहता है। हम पंचेरी से, हमारा पहला मैच सीमंतगढ़ ए से हुआ और उसमें हम पहला सेट 15-8 से जीते और दूसरा सेट हम 15-11 से जीते। बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। आयोजन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आयोजन और इस क्षेत्र में होते रहे ताकि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना प्रदर्शन कर इस ग्रामीण इलाके का, इस रानीवाड़ा ब्लॉक का नाम रोशन करें। ये हमारे साथ एक युवा जुड़े थे, उन्होंने खेल के बारे में हमें बहुत अच्छा समझाया कि जिस तरह से आजकल जो बीमारियां बढ़ रही है उन बीमारियों को हम खेल के माध्यम से शरीर को हष्ट पुष्ट रख के, एक माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हिट राजस्थान फिट राजस्थान के तहत जो किया। कैमरामैन अल्पेश दया से निवेदन करूंगा कि आप कैमरा है उसमें राउंड में रखें और ताकि जो भी है मैं हमारे साथ जो दर्शक लाइव प्रसारण में जुड़े हैं, और मैं कैमरामैन अल्पेश दया से निवेदन करूंगा। कॉल करो जाओ आप कमेटी वाले। एक मिनट, हाँ ऊपर जो पहला है।
Thank you.
झाकड़ी गई एंड दाली ना भाई है चालू है पूरी बना रखे दर्शक से सभी दर्शकों से निवेदन करने वाला
Thank you.
अरे नी पोस्ता इधर नेसला है Thank you.
बीड़ी फूके बड़े एक दाई पड़े ही के अरे डुबा आ देख आउट है राइट आउट है भाई साहब आउट है आ केम लेना धोरे मैं भी करे
नेट और नेस लो लिटू बेसिस नेस और वो लिटू सराल जाओ सराल भाई अरे सराल आओ कितु क्या क्यों कैप्टन दाऊद इब्राहिम आ जाओ जागरी के कैप्टन गांव के कैप्टन चाय नाश्ते की व्यवस्था है कृपया सभी खिलाड़ी चाय नाश्ता ले अभी आपके सामने गांव सी वर्सेस गांव बी वर्सेस सराल गुजरात का गांव रहा है जिसके कैप्टन शंकर भाई कौन थे गांव बी वर्सेस सराल सराल गांव की टीम के कप्तान मुकेश कुमार आ जाओ ऊपर
ना मो तो पी तो थारे अरे भाजो पटक तो मती आपको सहयोग के रूप में लेना कौन है? गुजरात की टीम बहुत ही शानदार लग रही है, क्या बात है। दोनों टीम के खिलाड़ी मैदान में पहुंचे तो जो रेफरी होगा उसके पास होगा। मैदान में आने से पहले हथियार पास में रखे, धमकी कहीं छिड़का दो। थोड़ी लेन दे। अरे पादरू ग्रीन बेनो है का आरिया ए आरी यहाँ स्कोर बोर्ड स्कोर के आगे कोई खड़ा नहीं रहा भाई साहब, जिससे क्या हमें यहाँ स्कोर काउंट में समस्या आ रही है पॉइंट देखने में। रेफरी कैसे निर्णय लेता है आगे तो वो रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अभी आप सबके बीच में गोंग वर्सेस
सराल का बढ़ाई शानदार मैच हो रहा है। बहुत शानदार शुरुआती पॉइंट सराल के खाते में। दोनों टीम बराबर। गांव ने भी अपना खाता खोल दिया है। इधर से टीम का नेतृत्व दाऊद भाई कर रहे हैं और इधर से टीम का नेतृत्व मुकेश भाई अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव लाइव बन गए राकेश टप देती रो चक्का लाभो लाग जब तो बमाऊ को राकेश रोड तो ये शंकर भाई कटे कमाना मुगा मणि संक्रांत होके मदनी बेरा तो बट 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 ए राकेश मजा मत ले लाबियो सारो धुआड़ो है सारो है शांति राखो साउगले राकेश इंडियन सोशल वॉइस को आवाज लगाई जाए इंडियन सोशल वॉइस को आवाज लगाई जाए ये वो आदमी कटे हटारो कैमरामैन ही ने दरगा भाई हटारो आदमी कटे क्यों हो जो हटारो आदमी हो जो ने दड़ो आयो तो मोतो सक्को मारू ब्रो अच्छा वो आदमी रंबा क्यों है रेडी है
आदमी हो जाओ उठारो कैमरामैन रही तो हालत खराब है। क्या बात है, शानदार, बहुत ही शानदार। सराल के खाते में एक और पॉइंट जाता हुआ, क्या बात है सराल वासियों। ए अल्पेशी ने वो छक्को जाइए ढाई सीधी गेंद अभी तो अटे तो हाथ जरूर से बारे ग्यारह लाइक तो कर मुकेश जी की टीम बड़ी शानदार खेल रही है। हाँ वो आदमी के तो कर जी मुआ तो नहीं भाई मुझे हेल्प करो रही वो तो हेल्प रहे चक्कर में फंसा भी नहीं। हाँ दौलत जी दो मोरे मरती कौन बहुत ही शानदार बॉल पूरे मैदान से बाहर डाल गई थी। एक भी खिलाड़ियों की अथक प्रयास से बॉल को वापस ग्राउंड में लाया। इसी के साथ ये गोंद को एक और पॉइंट राजस्थान पुलिस के सिपाही सैनिक आदमी अपना दम थम दिखा रहे हैं। क्या बात है मुकेश जी ने पॉइंट लेने के चक्कर में इसी के साथ में बॉल आउट। अभी गांव के खाते में क्या पॉइंट है और शराब के खाते में क्या पॉइंट है। क्या बात है मुकेश जी अपनी टीम का अच्छी तरह से नेतृत्व करते हुए ये रेवर राम ने बार बार छुपे किसी के साथ ही बॉल पार होती है। क्या बात है रेवर राम की बड़ी दम दम के साथ खेल रहे हैं। अपनी भागीदारी दिखाते हो नमस्कार साथियों। लगातार ग्राम पंचायत गांग राणीवाड़ा उपखंड मुख्यालय के गुजरात के समीप ग्राम पंचायत गांग में आज
युवाओं के द्वारा जो युवा मंडल ग्राम पंचायत गांव का है, इनके द्वारा एक दिवसीय वॉलीबॉल मैच का रात्रि का आयोजन किया जा रहा है और लगातार जो मैच है वो जारी है। लगातार एक से दूसरी टीम मैदान के अंदर आ रही है और हम आपको सीधा लेकर चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर, जो लगातार इस पूरे कार्यक्रम का जो बड़े स्तर पे आयोजन हो रहा है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार उनसे हम चर्चा करेंगे अभी कौन कौन सी टीम मैदान के अंदर है। क्या बात है शंकर भाई, बहुत अच्छे खेलते हुए। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार साहब, बोलिए भरती। किस तरह का मैच में जोश है? दोनों तरफ की टीमों में बहुत ही जोश है। ये गोंग के मित्र मंडली युवा टीम द्वारा इस प्रकार का रात्रकालीन मैचों का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग 15 से 16 टीमों ने भाग लिया है। अभी चौथा या पांचवा राउंड चल रहा है जिसमें गोंग वर्सेस गुजरात के सराल के खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं। दोनों टीमों के बीच में कड़ा मुकाबला हो रहा है और मैं तो इस पूरी टीम को, जो आयोजन कराने वाली कमेटी है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार के मैत्री मैच करवाने से लोगों में एक तरह से भाईचारा और खेल के प्रति भावना का आगाज होता है, भावनाएं बढ़ती है और बहुत ही शानदार गेम चल रहा है। नमस्कार, ये हमारे साथ अशोक जी चौधरी जुड़े थे और तमाम युवा साथी हैं। लगातार सुरेश भाई मैच जारी है, जिस तरह से एक से दूसरी टीम मुकाबला कर रही है और मैच जीतने के बाद जिस तरह का इनका उत्साह है वो देखने लायक है। बहुत ही शानदार जी। हमारे साथ हमारे युवा साथी और आयोजक मंडल के एम इच्छा पुखराज जी जुड़े हैं। पुखराज जी, किस तरह का मैच में आयोजन हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है और बहुत जोश के बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोश के साथ। ये पॉइंट लेने के हमारे साथ समाज सेवी हरीश चौधरी भी जुड़े हैं। हरीश चौधरी जी, किस तरह का मैच में लगातार ऊंचा बढ़ रहा है? बहुत ही शानदार, रोमांचक मैच हो रहे हैं जी। ऊंचा के साथ खिलाड़ी भी ऊंचा है और खेल खेल की भावना से खेला जा रहा है। बहुत बढ़िया। ये हमारे साथ हरीश भाई आजना जुड़े हैं, उनसे हम बात करें। हरीश भाई, किस तरह का मैच का आयोजन हो रहा है? जबरदस्त हो रहा है, बहुत मस्त हो रहा है, आनंद आ रहा है। गुजरात से खेल रहे हैं जी, युवा टीम अच्छी टीम है, इसी के साथ। क्या हुआ अशोक जी गोंग पहले राउंड का? पहले राउंड में गोंग अभी एक पॉइंट से आगे चल रही है जी और अभी ऐसा लग रहा है कि इसी तरह के खिलाड़ियों में अगर दम देखा जाए और जोश, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है लेकिन कोर्ट कौन सी गलत बैठता है ये कोई निश्चित नहीं है और इसी के साथ में वापस गोंग ने एक पॉइंट ले लिया जी। इस वक्त लगातार हमारे साथ समाज सेवी भाई साहब इस तरह से युवा रात्रि जो मैच का आयोजन कर रहे हैं, ये एक मैत्री खेल का आयोजन हो रहा है। खेल होना चाहिए जी, मतलब एक शारीरिक व्यायाम है जी और खेल खेल की भावना से खेलना चाहिए और जो खेल के मित्र मंडल है उन्होंने बनाया, इसी के साथ बहुत ही अच्छा पॉइंट का स्कोर हुआ। गोंग आयोजन होना जरूरी है, 12 और सराल 11, बड़ा ही कड़ा मुकाबला चल रहा है दोनों के बीच में। काफी युवा जुड़े हैं, बड़ा ही कड़ा मुकाबला चल रहा है दोनों के बीच में। एक दिवसीय रात्रि वॉलीबॉल मैच का आयोजन हो रहा है और लगातार आप इंडियन सोशल वॉइस न्यूज के माध्यम से लगातार आप सीधा लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं और गांव के जो युवा मंडल है उनकी तरफ से ये इस खेल का आयोजन किया गया और जिस तरह से आप रात को 10 बजे से ज़्यादा का समय हुआ है और किस तरह से गाँव के ग्रामीण युवा बुजुर्ग जो इस मैच का आनंद ले रहे हैं वो काफ़ी काबिले तारीफ है। लगातार इस मैच का हमारे साथ पूरा राम जी चौधरी जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। पूरा राम जी, जो युवा मिलकर ये मैच का आयोजन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, अच्छा ही है क्योंकि जो बच्चे हैं, जो आपका तो काफ़ी समय निकल, आपकी उम्र 50 से ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उससे आपस में प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, गाँव का भी नाम होता है, बढ़ता ही है, यही हो रहा है, अच्छा खेल हो रहा है, अच्छा खेल हो रहा है जी। हमारे युवाओं में जोश है लगातार, आप सीधा लाइव तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हमारे साथ एक पुराने खिलाड़ी है जो अपनी उम्र का आधा शतक गवा चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। अर्जी राम जी, उस टाइम आप खेल खेलते थे उतना उत्साह होता था या नहीं होता था? नहीं, पहले तो ज्यादा था जी, अभी कम हो रहा है धीरे धीरे। अब युवा थोड़ा जागृत हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं अभी जी। अभी क्या है कि राजीव गांधी योजना से जी, हाँ उसमें खेल हुआ, उसमें से थोड़ा जोश आ रहा है, जोश आ रहा है। ये बढ़िया खेल हो रहा है, बढ़िया हो रहा है जी। ये हमारे साथ पुराने खिलाड़ी थे ग्राम पंचायत गांव के हरजी राम जी और तमाम 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 खिलाड़ी
तमाम खिलाड़ी हमारे साथ। एक जो समाज सेवी है कैलाश चौधरी, वो जुड़े। कैलाश भाई नमस्कार। नमस्कार। किस तरह का मैच आयोजन हो रहा है? कम से कम आप 5-10 दिन पहले तैयारी कर रहे थे। हम 5 दिन से तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैच हो रहा है। किस तरह की व्यवस्था है? काफी गुजरात से भी टीमें आई है। गुजरात से भी आई है, सराल से। जी तो ये टीमें आ रही है, जिस तरह की आपने व्यवस्था बनाई आज, व्यवस्था सभी ठीक है? व्यवस्था एकदम बढ़िया बनाई है। 5 दिन से इसी तैयारी में थे जी, इसलिए 18 टीम आई है जी। और लगातार जो जिस तरह से ये पूरे रात भर जी मैच कंप्लीट होंगे, ये लगभग 3-4 बजेंगे, 3-4 बजे तक मैच कंप्लीट होंगे। जो आने वाले मेहमान है, खिलाड़ी, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है? चाय और नाश्ते की व्यवस्था है। व्यवस्था पूरी की हुई है? पूरी की है। और लगातार आप इस एक दिवसीय जो रात्रि मैच है उसके आयोजन में जिस तरह से 15-20 युवा लगे हुए थे, तब जाके ये काम हुआ है। 15 युवा कंटिन्यू लगे हुए थे, जिस तरह से इस मैच का आयोजन की व्यवस्था वगैरह सब की है जी। और अभी जो ये मैच रात्रिकालीन हो रहा है, किस तरह की जो अभी आपको पहली बार आयोजन कर रहे हो, आपको सीखने में भी मिलेगा कि आगे आगामी दिनों में हम मैच का आयोजन करेंगे? जैसे कि अब की बार कोई चूक हो जाती है तो वो हमको सीखने को मिलेगी जी, कि अब की बार वो चूक है वो दूर की जाए। ये हमारे साथ ग्राम पंचायत गांव के तेज तरार युवा और जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी बात रखी इंडियन सोशल वॉइस न्यूज़ के माध्यम से। तमाम कई साथी और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये गाँव लगातार आप सीधा लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रात को 10 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है, फिर भी खिलाड़ियों में किस तरह का इस उत्साह है वो लगातार जारी है। और जिस तरह से एक दूसरे खिलाड़ी बैकअप बना के इस मैच का आनंद ले रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और इस तरह का मैच होना भी चाहिए। हमारे गाँव के व्यापारी लोग भी जुड़े हैं, आप देख सकते हैं सीधा लाइव तस्वीरों में और इंडियन सोशल वॉइस न्यूज़ के माध्यम से सीधा लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। भाई साहब सतराराम जी, आपको यहाँ आए कितना टाइम हुआ? आधा घंटा हुआ। मैच अच्छो खेला है रियो? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये एडा मैच गांव में वरना चाहिए, होना जरूरी है। इससे गांव में भी खेलने की भावना हो, पुराने साथी हैं उनसे भी मिलना हो, सब अच्छी बात होती है। पीछे वाले बच्चे लोग भी सब अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, अपन भी ऐसा का खेले कूदे जी, जागृति आती है इन खेलों के माध्यम। काफी हमारे साथ कई युवा, हाँ शैतान सिंह जी, आप कहाँ से आए? साठवाड़ा से सर। ग्राम पंचायत गोंग में जो युवा मंडल है वर्ण तरफ या खेल रहा आयोजन कियो, बहुत अच्छो है। बहुत अच्छो है। बहुत जो पूरी टीम है वो अच्छो अच्छो मेहनत करे रही है। मेहनत करे रही है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, आनंद आ रही है मैच में। साठवाड़ा से 50 किलोमीटर यहाँ देखने। बहुत बहुत धन्यवाद है और ग्राम पंचायत गांव की पावन धरा पर आपका स्वागत है। और तमाम कई साथी हमारे साथ लाइव तस्वीरों में भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से खेल जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारे साथ एक और युवा जुड़े हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम बाबूराम। बाबूराम जी कहाँ से बता रहे हो? जालेरा खुर्द। आप वॉलीबॉल की टीम लेकर आए हो? किस तरह से जो गांव के युवा है उन्होंने ये व्यवस्था की है, डे नाइट मैच हो रहा है रात्रि, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात। इस तरह के मैच होने में जैसे युवा एक दूसरे की जान पहचान बढ़ती है, गांवों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ता है, किस तरह की जो व्यवस्था है सब देखकर आपको कैसा लग रहा है? अब ये जो व्यवस्था हर जाति हर वर्ग के सब लोग आने किया है जी, इसलिए हमको प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है, आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है। बढ़ती है जी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं आती है। ये इन खेलों के माध्यम से एक दूसरे की जान पहचान भी बढ़ती है कि ये इस गांव के हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा। हमारे साथ ये भी लाइव तस्वीरों में सीधा जुड़े थे और तमाम कई लोग हमारे साथ लाइव तस्वीरों में भी जुड़े हैं, आप दर्शकों को भी सीधा देख सकते हैं और लगातार हम उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ और एक युवा जुड़े हैं। भाई साहब कहाँ से बता रहे? पंचेरी से। आप वॉलीबॉल टीम लेकर आए? जी बिल्कुल। किस तरह का यहाँ का मैनेजमेंट है, व्यवस्था? बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और हम पंचेरी से यहाँ 40 किलोमीटर दूर आए, बहुत पर खेले, हमको बहुत अच्छा लगा। पंचेरी से आप 40 किलोमीटर से पधारे, आपकी गांव की पावन धरा पर आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। और
मैच में आपका मैच हुआ अभी जी, हमने चिमनगढ़ को हराया और आप जीते जी बिल्कुल। किस तरह का उत्साह है? बहुत खतरनाक उत्साह है जी। हम क्या है कि जैसा जाते जी और यहाँ पे आते कुछ टाइम के लिए जी, खेल टाइम के साथ जरूरी है। देखो आजकल ये हो रहा है कि अपन रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं जी, तो इस तरह का मैच हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि आपस में मेल मिलाप हो रहा है, क्योंकि आज की जो फास्ट दुनिया चल रही है उसमें ये काम होना बहुत जरूरी है। आप सिटी में देखना चाहो तो पास में कौन रहता है वो पहचानता तक नहीं, तो गांवों में अभी भी ये जिंदा है, तो ये मैच होने से गांवों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव आपसी भाईचारा वो भी बढ़ता है, बढ़ता है बिल्कुल। क्योंकि आप बाहर जाते हो तो आपकी जिंदगी तो व्यस्त होती है उन कामों में, इस तरह का आयोजन होना चाहिए, इस तरह का आयोजन हर गांव में होना चाहिए जी। खेल जिंदगी में खेल जरूरी है, खेल से इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है जी जी, और खेल हर टाइम हर प्रकार का खेल इंसान के लिए जरूरी है जी, खेल के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम। धन्यवाद, आप इंडियन सोशल वॉइस न्यूज के माध्यम से लाइव में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू। लगातार आप सीधे लाइव तस्वीरों में भी देख सकते हैं और हमारे साथ कई युवा और कई जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं और लगातार आप लाइव तस्वीरों में सीधा देख रहे हैं इंडियन सोशल वॉइस न्यूज़ के माध्यम से जी। और जो वॉल्टियर लगे हुए हैं ग्राम पंचायत गोंग के द्वारा, वो पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। आप कैमरे में सीधा देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने व्यवस्था का मैनेजमेंट किया वो काबिले तारीफ है, और सभी खिलाड़ी अनुशासन तरीके से इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और काफ़ी दूर दराज क्षेत्र से खिलाड़ी आए भी हैं, और जिस तरह से रात को मैच करना और इतनी बड़ी व्यवस्थाएं करनी एक बड़ा विषय भी हो जाता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट करके इन व्यवस्थाओं को बनाया वो एक काबिले तारीफ है। युवा मंडल द्वारा लगातार मैच जारी है, लगभग इस तरह से जो 16-17 टीम धरातल पर पहुंची है तो लगभग इस मैच का आयोजन होने में लगभग 3 से 4 बज सकते हैं, पर खिलाड़ी हैं और दमखम के साथ खेल रहे हैं, अभी तक इनका हौसला है वो कमज़ोर नहीं हुआ है और लगातार वो खेल रहे हैं। और हमारे साथ कई और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से पधारे आप? जालेरा कला से। जालेरा कला से आप पढ़ाई करते हो? कोई भी मैच है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, जिस तरह से रात को मैच हो रहे हैं और एक से दूसरे गांव में जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है आपको खेल के प्रति जागरूक होकर? बिल्कुल अच्छा लगता है, शिक्षा के साथ खेल की भी बहुत अहमियत है, अहमियत है। आप कहाँ से पधारे भाई साहब? हम भी जालर के। जालर, क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हो? खेलों के प्रति अच्छा रुझान है आपका? बहुत अच्छा रुझान है। चलो अच्छी बात है। तमाम युवा और भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार आप सीधे लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं धरातल से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं। जिस तरह से मैच का जबरदस्त तरीके से दूसरे राउंड से आगे निकल चुके हैं और ये कड़ा मुकाबला है, और जिस तरह से लगातार जिस तरह से आप देख सकते हो तो दर्शक हैं वो एक दूसरे टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं, और हमारे साथ जो भामाशाह है हमारे साथ पुखराज जी चौधरी जुड़े हैं। भाई साहब अच्छी तरह मैच का आयोजन हो रहा है? बहुत अच्छी तरह हो रहा है, आनंद आ रहा है। जिस तरह युवाओं ने मेहनत की थी 10 दिन से वो आज सफल हुई और काफी गांव की पावन धरा पर काफी लोग आए, गुजरात से भी आए, राजस्थान से भी आए, ये सब देखकर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, पहली बार इतना बड़ा युवा मिलकर काम कर रहे हैं, पहली बार नाइट प्रोग्राम जी। इन खेलों को देखकर युवाओं में जोश भी है, बहुत जोश है। धन्यवाद। ये हमारे साथ भामाशाह और युवा समाज के पुखराज जुड़े थे और भी हमारे साथ कई साथी जुड़े। भाई साहब किस तरह का मैच हो रहा है? अच्छा मैच हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है, यूं जबरदस्त आयोजन हो रहा है, लगातार युवा है।
पूरी टीम है वो लगी हुई है रात को मैच। इसी के साथ सेकंड राउंड का गेम सराल के खाते में जाते हुए विजेता टीम के लिए भी व्यवस्था की हुई है और हमारे साथ जो पूरी व्यवस्था और मैनेजमेंट को बनाने में जो अहम एक किरदार है और एक बड़ी खबर ये है कि पहली बार सराल वर्से गांग जो वॉलीबॉल मैच है वो तीसरा राउंड हो रहा है। हमारे साथ सीधे लाइव तस्वीरों में आपको एक ऐसे शख्सियत से मिला रहा हूं जो लगातार ग्राउंड पे जीरो पे मेहनत की। हमारे साथ अंकित जी पटेल जुड़े हैं, आपका इंडियन सोशल वॉइस न्यूज पर स्वागत है भाई साहब। किस तरह का मैच हो रहा है अभी? ये टूर्नामेंट है जी, और कितनी टीमें पहुंची यहाँ पर? लगभग 16 टीम की एंट्री थी, उसमें से दो अनुपस्थित है जी, नहीं पहुंच पाई जी, 14 टीम ही अवेलेबल है जी। और लगभग ये मैच इस तरह से तो 3-4 बज जाएंगे आपको मैच करवाते करवा लगता है, अभी तक 7 मैच बाकी है जी। और जिस तरह से व्यवस्था आप 5-6 दिन से कर रहे थे वो आज व्यवस्था सफल रही अच्छी शांतिपूर्वक मैच भी हो रहे हैं जी, दर्शक भी बहुत अच्छे आए हैं जी, भी बहुत बार बार से दूर दूर से पधारी हुई है जी। व्यवस्थाएं बनाने में कितना समय लगा इस इतने बड़े आयोजन करवाने में? व्यवस्था 2-3 दिन से हम कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू जारी है जी। आज सुबह से तो अभी तक शाम हो गई, पर इतने देर तक अभी घर पे नहीं गए जी, ताकि सभी जो भाई बहन बाहर से पधारे हैं उनकी अच्छे से व्यवस्था कर सके जी। और आगे जो मैच हो रहे हैं उनकी पूरी जो इनके बाहर से खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? जो बाहर से पधारे हुए खिलाड़िया हैं, दर्शक हैं, उनके लिए चाय और बिस्किट की नाश्ते की व्यवस्था की हुई है जी जी। जो काउंटर लगाया हुआ है वहाँ पे जी, जहाँ पे जो जिसको चाय पीनी है बिस्किट खाना है वहाँ जाके खा सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ अंकित जी पटेल जुड़े थे जो लगातार इन व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। और दूसरे राउंड का मैच वापस शुरू हो रहा है और लगातार एक से एक मैच हो रहे हैं यहाँ पर, मुकाबले कड़े हो रहे हैं, तगड़े हो रहे हैं। और वापस हमारे सहयोगी किलक चौधरी को हम लाइव तस्वीर का कैमरा चौंपने जा रहे हैं जो वापस इस कवरेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ये देखो
छपास एक पॉइंट देखी दाऊद को गोली दिया जाए Oh, I
ब्रो अरे भूल गया अरे डॉक्टर ऐसा क्या नुआ काम एक पॉइंट हुआ 11 दे चुका भाई ले ग्रामीण पब्लिक है
उतरू जीतू यार जीतू अरे अब ग्रीन बिजी नहीं हो कौन सी मोहन देख कहीं पर मत कर दो अरे थोड़े हाथ में पिक ज्यादा अरे करने से बेटा ए अरे एक बात क्यों बात क्यों दिया तो वाला मत यो दीना 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 पड़ी ब्रो सब दे लई गए तेरे भिजना बाले रे लई ना रे दटरे ले रही है अपन बना बट बोला जीरो नाना दे दिया ऊपर हां हां ट्रॉफी ट्रॉफी हरिया थारे लीन दिया सही दिन को मां थैंक यू तो हां फाइनल नाना ये तो कोई नहीं है अरे भाई आर्य शंकरलाल चौधरी चौधरी गुड वो तो भाई फर्क पड़ गया बोल रहे हैं हम एक बोल रहे हैं ले देना बोल रहे हैं भाई नहीं आ देखो कोई बिजनेस मारते तो चलो तुम रिकॉर्ड दो बोल रहा फर्क पड़ा मेरी जमीन हमें बेचनी है बड़ा बोल ऊपर और बोल भागे अपना और बना ही नहीं हेलो मुझे की व्यवस्था कर लीजिए मुझे की व्यवस्था करें दीना अंदर में अरे पर एक मिनट राउंड तो बाहर देना खबर पड़े अरे छोकरी केम प्रो यार एक राउंड बाहर नहीं डर एक मिनट में तो कोई मरी जा एक मिनट खाली एक एक राउंड बोलो खाली बंद कर अरे वो तो अल्पेश
का उगू? हाँ उगू का बता क्या? हाँ पटकी पड़ी ना तू तो ये ऐसा वो माते पड़ी ना उगू तो क्या मंत्र क्या अल्पेशन बोला मारने की बात करे सारे यार Oh,
Thank you.
मामा तो बड़ा तक दिखते हैं शानदार मैच ¡Gracias!
मेचा बोला मैं मारा एलपीएस यार नहीं करा तू अल्पेश भाई खाली उपो बोले पीछे में ठीक क्या ना ना रमिया यार बैठा अरे वो तो कहते मैं तो भाई है ना भाई ठीक है तो मुझे बंद नहीं है का बना भाई टैक्सी मत नहीं गिरा तो है अरे ना होता है टाइम बता चार जना देख रहे हैं चार जना कैडो तो फेल है तो संग्रह ए सलाम है नेट चालू है तो हम भी थोड़े ही चले मावू 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 मावी मावू ના મારો તો મો આતન બીજો તો મારો જાય આ ભરતારો જાયે બોલા કાકમાળો ખડે ગયો ખડે હે કાકમાળો
आधा रेफरी नहीं है जेफरी बे नब्जे मन लागे भे घणी दुई आज ना ना बोलनो नहीं एक जनो भाळा है मना तो अनेरे कहो भाई आने बोली बोल रो प्रेमी भाई है जरा ने मन तो मैं कर तो भाई कहता हूं पर भलवा हो ब्रदर भाई सब
बाहर है बाहर ए टपोरी ए ए ए ए महेश ए महेश अरे इनके से बॉल बाहर थी ठंड है इंडियन न्यूज माते इंडियन सोशल न्यूज ओ हेटा ओ ओ मोबाइल वाला Thank you.
माये ना ना ये एली टीमे रो आखो पॉइंट खाद्य एक बार जनरेटर में डीजल भरे ना उन्होंने तो Thank you.
भरतो ए अंकित भरतो ही नहीं भरतो मुए का नजर ना तो थोड़िया थोड़को बंदे जो थोड़िया भाई बंदे जो कठिया तो आने नेटर बरोबर रख मुए का नवठे जाए ना वो का मावे हाँ नेटर खाली आ नेटर अनेक होना थी वने होना उद्यावा दो बोल दो ओके हो रहा है उनके
शानदार।
शंकर भाई जी बहुत ही अच्छी खिलाड़ी खेल रहे हैं। अच्छे और अंकेश भाई भैया नेक्स्ट में खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। देखने में तो छोटे लग रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। प्रेसिंग मारेंगे, लेंगे उठा के मारेंगे, दबा के खाते में पॉइंट। जब तक एम्पायर का इशारा नहीं आएगा जब तक सर्विस ना करे भाई। छोटी है वो हमारे राज्य स्तर पर एक बार फिर के ये सब कई साल खेल थे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, भरोसेमंद खिलाड़ी है कि मैच को अच्छी तरह से जिताएंगे। बहुत ही जिला स्तर पे तो हर टाइम में जाते हैं लेकिन राज्य स्तर पे जाके आए गांव के सब खिलाड़ी और अंकेश भाई राज्य स्तर पे जाके आए और अंतरराष्ट्रीय भी जाके आए। अंकेश भाई खेलने में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। गांव के चार ओवर दोनों टीम बराबर, अंकेश भाई को मौका दे, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है शंकर भाई। शंकर भाई है बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है और पुराने खिलाड़ी है, जाने माने खिलाड़ी है शंकर भाई। और एक्टर खिलाड़ी है सबसे कम देवासी, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, सवाल अपना देवासी समाज में हर टाइम क्रिकेट में खेलने के लिए जाते हैं और बाहर से पहले से उनको क्रिकेट कराते हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, क्रिकेट के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी और वॉलीबॉल में भी अच्छे मेटर है। अंकित भाई चौधरी है वो भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, वो भी एक बार राज्य स्तर पर जाते हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, हमारे पूरे समस्त गांववासियों को पूरा भरोसा है कि ये मैच चाहेंगे तो जीत लेंगे। हमारे भरत भाई मैच का बहुत ही आनंद लेते हुए लाइव चल रहे भरत भाई वाले का, और हमारे भरत भाई बहुत ही जल्दी अच्छे लिखते हैं। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है और जागरी वाले भी मतलब जिला स्तर पर तो जाके ही आए उठाओ उठाओ यार उठाओ साइड में क्या दाग रहे हो साइड में थोड़े खेल। हल्के में मत लो भाई जागरी वालों हल्के में मत लो। दस और जागरी पांच डबल सिंगल और ट्रिपल सिंगल हो गया तो भी आप देख सकते हो भाई साहब जागरी वालों बहुत ही अच्छा सीजन सब सुना प्रवासी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और जाने वाले खिलाड़ी हैं। निवासी समाज में कहीं बाहर जाके आए खेल के आए और टीम को हिंदी तो बना गया बहुत ही अच्छे बहुत ही खिलाड़ी। रोहित रोहित अड़ारी गलती दी है रो नाइट आ रही है धन्यवाद।
चार व्यक्ति हमारे लाइव में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है मैच देख के? खेल की भावना से खेले, एम्पायर से बेस्टबाजी ना करें। बहुत ही ताली बजाते हैं और बहुत ही जोश में भरत भाई वाणी का।
गांव पांच बिल्कुल ठीक भाई आगे बहुत ही अच्छे खेल रहे भाई साहब ये कोई बात नहीं कोशिश तो बहुत अच्छी की थी लेकिन ऐसी तो हो जाती है गलती वो डोरिया नीचे आ गया है आराम से धीरे बिल्कुल बस पॉइंट है भाई साहब पॉइंट ये आपका पॉइंट है आपकी मेहनत है बिल्कुल गांव को पॉइंट मिला भाई साहब गांव को पॉइंट मिला छह पांच डाकड़ी वालों के पांच गांव वालों के छह बिल्कुल अच्छा खेलो अच्छा खेलो प्रदर्शन लगातार दो टीम जीतेगी बिल्कुल स्वागत करेंगे हम बिल्कुल अल्पेश बिल्कुल बिल्कुल स्वागत कराए बिल्कुल हरीश भाई संभालो बिल्कुल शंकर भाई हमारे भरत भाई फूल लेके आए हैं और टीम का स्वागत करेंगे बिल्कुल शंकर भाई आप बहुत ही अच्छे खेलते हो कोई डाक कोई मिलेगा मेरे तो को अरे वाह शेर गांव के तो सब शेर ही लगते हैं मेरे को हरीश भाई बहुत ही अच्छी बिल्कुल शंकर भाई ऑल दिस बॉल हमारे युवा के अध्यक्ष हैं और शिवसेना से अपनी बार टिकट मिलेगा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल बहुत ही तगड़ी बॉल थी और आपने भाई बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं बहुत ही अच्छा शंकर भाई बहुत ही अच्छा चाकरी वाले भी खिलाड़ी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे खेलते हैं आज दोनों टीम बराबर काटे की टक्कर दोनों टीम ऐसा भी नहीं करे कि तीसरी बार खेलना पड़े आपको बिल्कुल पॉइंट है पॉइंट जाना कोई मतलब
कैमरामैन को मार देगी इंडियन सोशल वॉइस से भरत भाई टीम का हौसला बढ़ाते हुए वहां की टीम जीतती हुई भाई साहब ये जो सिस्टमर लोग जो इसी में मजा करते हैं। कैमरा करूं ना से बोल भरता हूं हमने वीडियो आई भरता हूं हमने वीडियो आई कई करी के काम करे ये बराबर सा भाई भी पास अंदर बैठा भी Thank you.
ए सतिया बस मिनट का पकड़ मुझे सड़ा मुझे अरे उबब थोड़ी कर कैमरा मैन मुझे गाँव नेस्टिस कर रहा है तो कोई खास नहीं पूरे देखा ही नहीं लैब है उसे पकड़े थे थाकी है ब्रो Thank you.
Thank you.
Okay.
Gracias.
કોઈ ને દેખે હેલો હેલો કોઈ ને દેખે एक मिनट Gracias.
Thank you.
शानदार मुकाबला दादर अतुल गुरु से मेंदीवाड़ा बहुत ही रोमांचक मुकाबला हो रहा है। रोहित ए रोहित रोहित What's going on?
पाठेली माते भाई मार जो ब्रो Thank you.
सतीश फोन री 80% आगे जे फोन 70% ही आप ताले में गया था ना